बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास इंग्लिश, क्लास 9 एंड 3/9। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर नंबर 1, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा। आप लोग पेज नंबर 2 ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक का। पेज नंबर 2 में पैराग्राफ 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग राइट करवाऊंगी। यहाँ पे मेरे पास राइट है, फर्स्ट वर्ड इज, पैराग्राफ नंबर 1 है एंड द फर्स्ट वर्ड इज अनपैरेलल्ड, लासानी, चार्म, चाशनी, ट्रैकलेस, बेरास्ता, ड्यून्स, टेले, डेजलिंग, हैरान करने वाली, मीन्स के हैरान कर देने वाली, ट्रॉपिकल, शदीद गर्म, स्टेरी, तारों भरा, इमेजिनेशन, तखयल, लैंड, सरजमीन एंड रेड सी, बहिरा अहमद। ये थे हमारे पैसेज नंबर 1 के डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। अब हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। पैसेज नंबर 1, अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब जो है वो लासानी, चाशनी और हुस्न का इलाका है, ये सरजमीन है, विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड, इसके बेरास्ता रेत के सहरा, सैंड ड्यून्स रेत के टेलों, इन द डेजलिंग रेज, हैरान करने वाली शुआएं ऑफ द ट्रॉपिकल सन, शदीद गर्म सूरज की। कि अरब जो है वो एक लासानी, चाशनी और हुस्न का इलाका है, इसके बेरास्ता सहराओं, रेत के टेलों और शदीद गर्म सूरज की हैरान करने वाली शुआओं के साथ। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसका तारों भरा आसमान शोरा और मुसाफिरों के तखयल को तहरीक देता है या उभारता है। It was in this land, यही सरजमीन है, that the Rasul was born, जहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। In the city of Makkah, मक्का के शहर में, which is about 50 miles from the Red Sea, जो के बहिरे अहमर से 50 मील दूर था। ये थे फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम सेकंड पैराग्राफ की डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। पैराग्राफ 2 है एंड द फर्स्ट वर्ड इज पोजेस्ड। पोजेस्ड मीन मालिक होना या कोई चीज रखना। रिमार्केबल, गजब का, बहुत ज्यादा, हाई फाई या बहुत आला। मेमोरी, याददाश्त। एलोकेंट, फसीह बलीग। Eloquence, फसाहत। Expression, इजहार। Fair, मेला। Poetical, शायरी का। Narrated, बयान किया। Composed, लिखी, मतलब कि written form में जो चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं कंपोज की हुई। Exclusively, खास तौर पर। Promulgation, आगाज। Dispensation, तबलीग। And preservation, हिफाजत। ये पैराग्राफ 2 के डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग थे। अब हम इसके ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। अरब के जो लोग हैं वो गजब की याददाश्त रखते हैं और बहुत फसीह और बलीग लोग हैं। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी, इनकी फसाहत और याददाश्त, फॉन्ड एक्सप्रेशन, इसका इजहार होता है इन देयर पोएट्री, इनकी शायरी में, कि इनकी फसाहत और इनकी याददाश्त का इजहार इनकी शायरी में होता है। Every year a fair was held for poetical competitions at Ocas. हर साल शायरी का एक मेला जो है वो ओकास के मुकाम पर होता है। It is narrated that, ये बयान किया जाता है, that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, के हमाद नामी एक शख्स जिसने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, कि I can recite to you, मैं आपको सुना सकता हूँ, for each letter of the alphabet, हरूफ तहजी के हर एक वर्ड से, हर एक लफ्ज से, 100 long poems, 100 से ज्यादा लंबी नज़में, without taking into account short pieces, इनको छोटे टुकड़ों में किए बगैर, and all of that was composed exclusively by poets, और ये सब लिखी गई थी खास तौर पर शायरों से, before the promulgation of Islam, इस्लाम के आगाज से पहले। उन्होंने कहा कि मैं, हमाद ने खलीफा से कहा, खलीफा वलीद बिन यजीद से, कि मैं आपको 100 से ज्यादा लंबी पोएमें जो है, नज़में हैं जो है वो सुना सकता हूँ, और उनमें कोई भी जो है उनको छोटे पीसेस में नहीं किया गया होगा, बल्कि वो फुल एक ही तरह से लंबी होगी, और मैं आपको हरूफ़ तहज़ीब, इसके अल्फाबेट्स के हर हर वर्ड से एक पोएम सुना सकता हूँ। ये बात यहाँ पर इसलिए की गई है कि यहाँ पर अरब लोगों की फसाहत और उनकी मेमोरी का
यहाँ पे आपको बताया गया इसलिए। इट इज नो स्मॉल वंडर, ये कम मामूली बात नहीं है, ये कम हैरानगी नहीं है दैट अल्लाह अलमाइटी क्लोज चूज द अरबिक लैंग्वेज, कि अल्लाह ताला ने अरबी जुबान का इंतखाब किया फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपनी आखिरी तबलीग के लिए, एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, और अपने कलाम की हिफाजत के लिए। कि अरबिक लैंग्वेज जो है वो इस कदर इम्पोर्टेंस रखती है कि अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी तबलीग के लिए और अपने कलाम की हिफाजत के लिए अरबी जुबान का इंतखाब किया। कलाम कौन सा उनका? कुरान मजीद, और जो भी उन्होंने अपने इरशाद फरमाए वो सब अरबिक में ही होते थे। तो ये उन्होंने अपनी अरबिक लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताई है। बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक करें और साथ साथ इसको तैयार भी करें। थैंक्स।